न्यूज़ सच जरूरी है। यह है मेनेस न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं मेनेस न्यूज़ टीवी। मैं हूँ आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पंचायत चुनाव के लिए टीएमसी का मुख्य चुनावी मुद्दा केंद्र की नीति होगी। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने शनिवार को स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल में इस साल के अंत में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए पार्टी के अभियान का मुख्य मुद्दा केंद्र की पश्चिम बंगाल विरोधी नीति होगी। उत्तर बंगाल के अलीपुर द्वार जिले में जनसभा को संबोधित करते हुए तृणमूल लोकसभा सांसद ने कहा कि मुद्दा यह होगा कि 2021 के विधानसभा चुनाव में राज्य के लोगों द्वारा बीजेपी को खारिज किए जाने के बाद केंद्र सरकार ग्रामीण बंगाल के लोगों को विभिन्न केंद्र पर आयोजित परियोजनाओं से वंचित कर रही है। बैनर्जी ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी के खिलाफ हाल ही में दिल्ली में उनके नेतृत्व में तृणमूल सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के साथ जानबूझकर बैठक से बचने के लिए तीखा हमला किया। उन्होंने कहा, जिस दिन हम केंद्रीय मंत्री से उनके कार्यालय में मिलने गए वह दिल्ली में थे, लेकिन वह हमसे नहीं मिले। उनके विभाग के सचिव ने हमें बताया कि मंत्री तो बिहार में थे, लेकिन असल में वो उस दिन दिल्ली में थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि लगभग 20 लाख सदस्यों को मनरेगा के तहत 100 दिवसीय नौकरी योजना के कारण उनके बकाया से वंचित कर दिया गया है, सिर्फ इसलिए कि केंद्र सरकार ने योजना के तहत धन जारी नहीं किया है। बैनर्जी ने जोर देकर कहा कि तृणमूल बंगाली नववर्ष के एक दिन बाद 16 अप्रैल से धन जारी करने में केंद्र की अनिच्छा को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। उन्होंने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो हम इस आंदोलन को राष्ट्रीय राजधानी तक ले जाएंगे। अलीपुर द्वार राज्य की चाय बेल्ट का हिस्सा होने के नाते बैनर्जी ने अपने भाषण में चाय बागान श्रमिकों की दुर्दशा पर पर्याप्त दिशा दिए। उन्होंने चाय बागान श्रमिकों के सामने आने वाले भविष्य निधि संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए केंद्र सरकार के लिए समय सीमा भी निर्धारित की। बैनर्जी ने कहा, या तो अगले 2 महीने में के भीतर इस समस्या का समाधान करें, अन्यथा हम इस मुद्दे पर बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। यदि आवश्यक हुआ तो मैं 50,000 चाय बागान श्रमिकों की टीम का नेतृत्व करूंगी और जलपाईगुड़ी में भविष्य निधि कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करूंगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजनीति आएगी और जाएगी, लेकिन शरद पवार पर निशाना साधते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कसा राहुल गांधी पर तंज। जैसा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार जी ने अडानी के पक्ष में एक बयान दिया, कांग्रेस महाराष्ट्र में घिरी हुई लगती है क्योंकि उसके अन्य सहयोगी शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे जी ने राहुल गांधी की सावरकर टिप्पणी पर अपनी नाराजगी सार्वजनिक कर दी। इस बीच कांग्रेस नेता अलका लांबा शरद द्वारा शरद पवार को लालची कहने वाले एक पोस्ट ने हमले और पलटवार का नया सत्र शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने राहुल गांधी पर भारत के राजनीतिक सांस्कृतिक को बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए कहा, राजनीति आएगी और जाएगी, लेकिन 35 साल के अपने लंबे समय से सहयोगी और भारत के सबसे वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं में से एक कांग्रेस नेता का यह ट्वीट और महाराष्ट्र का 4 बार का मुख्यमंत्री भया हुआ है। 1999 में स्थापित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी केंद्र और महाराष्ट्र में कांग्रेस की सहयोगी बनी रही। शरद पवार जी ने यूपीए सरकार में कृषि मंत्री के रूप में कार्य किया। महाराष्ट्र में राकापा ने 2014 में भाजपा को समर्थन की पेशकश की। 2019 में राकापा और कांग्रेस ने शिवसेना के साथ गठबंधन किया और महाविकास आघाड़ी का गठन किया, जो 2022 तक सरकार में थी। राकापा के अजित पवार जी ने भाजपा के साथ उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। पार्टी के लोकतंत्र मेरी निजी राय अलका लांबा। कांग्रेस नेता अलका लांबा जी ने गौतम अडानी के साथ शरद पवार की एक तस्वीर ट्वीट की और कहा कि जो लोग डरे हुए और लालची हैं, वे अपने निजी स्वार्थ के कारण तानाशाही शक्तियों का गुणगान कर रहे हैं। जैसा कि बीजेपी ने हमले पर सवाल उठाया, अलका लांबा जी ने कहा कि पार्टी में लोकतंत्र है और वह अपनी टिप्पणी के लिए जिम्मेदार होगी, न कि पार्टी की प्रतिक्रिया के लिए पार्टी का हैंडल देखे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का आरोप, कहा पीएम के बार बार दौरे से पता चलता है कर्नाटक में भाजपा कितनी कमजोर है। कांग्रेस का
कांग्रेस ने शनिवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दक्षिणी राज्य के बार बार दौरे से पता चलता है कि कर्नाटक में भाजपा कितनी कमजोर है। रिपोर्ट्स के अनुसार कर्नाटक में विधानसभा चुनाव 10 मई को होने जा रहा है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार जी ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि राज्य की जनता ने भाजपा सरकार को गिराने का फैसला लिया है, जिसे भगवा दल के नेता जानते हैं और इसलिए भाजपा के केंद्रीय नेता बार बार राज्य का दौरा कर रहे हैं। शिव कुमार जी ने कहा, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री और वह जितनी बार चाहे राज्य में आ सकते हैं, लेकिन अब वह चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक का बार बार दौरा कर रहे हैं, जो दर्शाता है कि राज्य में भाजपा कितनी कमजोर है। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि इन सभी प्रयासों से भाजपा नेताओं ने पहले ही हार मान ली है। राज्य के मतदाता बुद्धिमान है और वे सरकार बदलने जा रहे हैं, कोई चाहे कोई भी राज्य का दौरा करे। कांग्रेस नेता ने यह भी दावा किया है कि चूंकि में वे जनता को आकर्षित करने में सक्षम नहीं है, इसलिए भाजपा नेता फिल्म अभिनेताओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं। शिव कुमार जी ने कहा, कांग्रेस उम्मीदवारों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी का इस्तेमाल करने की साजिश है। पुलिस भी भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रही है। मैंने ऐसे अधिकारियों की एक सूची तैयार करने को कहा है, ऐसा वे केवल 40 दिनों के तक ही कर सकते हैं। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह, तब तक देखते रहिए मनस न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।